हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे पोएट्री का लेसन नंबर थर्ड, क्लास टेंथ का पोएट्री का लेसन नंबर थर्ड, द विलेज सॉन्ग, यानी गांव के गीत। सरोजिनी नायडू का लिखा हुआ एक नेचुरल पोयम है, यानी कह सकते हैं कि प्राकृतिक कविता है, नेचर से जुड़ी हुई, जिसमें हम एक माँ और पुत्री के बीच जो वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप के विषय में जानेंगे, यानी वह कैसे वह छोटी सी बच्ची इस समाज के दुख दर्द से या इस सृष्टि के दुख दर्द से अलग होकर के प्राकृतिक चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाती है या चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये आपका वर्ड है, ये आपकी सैनिम है और ये आपका मीनिंग है। ठीक है, तो पोएट्री की पहली लाइन है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। शुरू में कहा गया है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। तो यहाँ पे विदर का तात्पर्य वेयर से है, यानी जहां से होता है। ठीक है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। ठीक है, ये कविता की पहली लाइन है। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आउट ऑफ दिस क्लोथिंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल द बीच ब्लोविंग्स। ठीक है, तो यहां पे कास्ट का तात्पर्य CAST जो लिखा गया आपका, कास्ट का तात्पर्य है टू थ्रो आर टू फ्लिंग, यानी कि फेंक दोगी, थ्रो कर दोगी, फेंक दोगी। तो यहाँ टू थ्रो या टू फ्लिंग का तात्पर्य फेंकने से, यानी कि तुम फेंक दोगी, कहाँ फेंक दोगी जो है, द ब्रिज ब्लोविंग। तो यहाँ पे ब्रिज का तात्पर्य हवा से है, यानी विंड से। तो ये आपका वर्ड हो गया, ये आपकी सैनिम हो गई विंड, और ये आपका मीनिंग हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं सरोजिनी नायडू, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। तो फेड का तात्पर्य यहाँ खिलाने से, यानी कहने का मतलब है कि क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने जैसे अन्न के दाने खिलाए। तो यहाँ पे फेड का तात्पर्य नरिश्ड, यानी खिलाने से या पालने या सेवा करने से होता है। ठीक है, तो फेड का तात्पर्य हो गया खिलाने, पालने या सेवा करने से। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम अगले पंक्ति में जाएंगे, तो वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टुवर्ड यू, यानी वुड यू ग्रीव द लवर, ग्रीव का तात्पर्य, जैसे देखिए अब हेड के बाद आपका ग्रीव आ गया, यानी क्या तुम उस राजकुमार को या उस प्रेमी को दुख में भोगने के लिए छोड़ दोगी या दुख सहने के लिए छोड़ दोगी। उसके लिए ग्रीव का प्रयोग किया गया आपका, ग्रीव का तात्पर्य टू सफर, यानी दुख भोगने, पीड़ा सहने से होता है। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया है वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, यानी हु इज राइडिंग फोर्थ, राइडिंग फोर्थ का तात्पर्य होता है घोड़े पर बैठकर या घोड़े पर सवार होकर, यानी सिटिंग ऑन ए हॉर्स, घोड़े पर बैठकर या घोड़े पर सवार होकर, टू वेड यू यानी तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। वेड का तात्पर्य होता है शादी करने से, यानी विवाह करने से होता है, यानी क्या तुम उस राजकुमार को दुख भोगने के लिए त्याग दोगी या छोड़ दोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। ठीक है, ये था पहले स्टेंजा की वर्ड मीनिंग। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा में। जब इतनी बात कह लेती है तो बच्ची आंसर देती है, जवाब देती है कि मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, जैसे कि आपका वाइल्ड होता है यानी मैं घने जंगल की तरफ जा रही हूँ, इसका मतलब डीप से होता है, यानी घने से तात्पर्य होता है। मदर माइन यानी मेरी माँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, घने जंगल की तरफ जा रही हूँ, घने जंगल की तरफ अग्रसित हो रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाग द चंपा बर्ड्स आर ब्लूमिंग, यानी वेयर जहां पर चंपा बॉक्स
बाक्स का तात्पर्य, देखिए बी ओ यू जी एच आया हुआ है, बाक्स का तात्पर्य शाखाओं से होता है, यानी ब्रांच जो भी होती है आपकी शाखाएं पेड़ों की, उन शाखाओं से तात्पर्य है, यानी जिन शाखाओं पर, और ग्लोमिंग अभी हमने कहा है आगे जो है, तो एक ब्लो मीन्स आपका बहना होता है, लेकिन यहाँ ब्लो का तात्पर्य ग्लूमिंग यानी खिलने से है, किसी पुष्प के खिलने से है, तो उसी को कह रहा है कि वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स द चंपा बर्ड्स आर ग्लोविंग, यानी वेयर अपॉन द चंपा बॉक्स, यानी जहां चंपा की शाखाओं पर, बॉक्स का मतलब शाखाओं पर, चंपा बर्ड्स आर ग्लोविंग, यानी कि चंपा की कलियां, बर्ड्स का मतलब होता है ये वर्ड आपका बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब होता है कलियां, यानी जो आपके फूलों की कलियां होती हैं उस कलियों से तात्पर्य है, ठीक है। तो और ब्लूमिंग का तात्पर्य ब्लूमिंग से है, यानी जो फूल खिलते हैं या खिलते रहते हैं उनसे तात्पर्य है, तो चंपा के फूलों के खिलने से है, ठीक है। फिर इसके बाद टू कोएल हॉन्टेड, तो हॉन्टेड का तात्पर्य सिंग सॉन्ग या सिंग स्वीट सॉन्ग, यानी मधुर गान करने से है, यानी कोयलों के कूकने से, यानी कोयलें क्या कर रही है, कूक रही है, यानी कुहक रही है या अपना मधुर गान कर रही है, वहीं कह रहा है टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसल्स। रिवर आइसल्स का मतलब है बैंक ऑफ रिवर, जहां नदी के किनारे पर कोयलें क्या हो रही है, कूक रही है, यानी अपनी मधुर स्वर में बोल रही है, ठीक है। वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टिंग, यानी बेयर मीन्स लोटस लिलीज ग्लिस्टिंग, तो ग्लिस्टिंग का तात्पर्य यहाँ आपके साइन यानी चमकने, लाइट्स यानी चमकते हैं, यानी यहाँ पर ग्लिस्टिंग का तात्पर्य चमकने से। अंतिम पंक्ति में है टू वॉइस ऑफ फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी, टू वॉइस ऑफ फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी, तो फेयरी का तात्पर्य देख लीजिएगा, फेयरी मीन्स क्या होता है, परी, एंजल जिसको बोलते हैं, ठीक है। The voice of fairy fog calling me, यानी फेरी का मतलब एंजल यानी परी से होता है, फॉक मीन्स होता है समाज या लोग, यानी परियों का समाज या परी लोगों का समाज, ठीक है। calling me यानी मुझे पुकार रहा है या मुझे बुला रहा है, तो यहाँ पे जो है ओ लिसन मतलब हे माँ सुनो, तो लिसन का मतलब होता है सुनना। तो ये थी इसकी वर्ड मीनिंग आपके दो स्टेंजा की, द विलेज सॉन्ग की, अब हम इसका पढ़ेंगे हिंदी अनुवाद। ये थी विद्यार्थियों इसकी वर्ड मीनिंग, आइए अब हम पढ़ते हैं कविता के दोनों स्टेंजा का हिंदी अनुवाद स्लोली स्लोली। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एक ये और माँ और पुत्री के बीच एक वार्तालाप है, माँ एक पुत्री को सिंपल जीवन व्यतीत करने के लिए कहती है, सिंपल और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए कहती है, शादी विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन पुत्री उसको प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में आकर्षित होकर के बता रही है और वहाँ वह जाना चाहती है, यानी प्रकृति के सौंदर्य को, वास्तविक सौंदर्य को वह परिभाषित करती है या बताती है, जवाब में कहती है, ठीक है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं सरोजिनी नायडू के फर्स्ट और सेकेंड स्टिंजा को, द विलेज सॉन्ग की। करे हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, यानी वार्तालाप करते हुए सबसे पहले माँ बोलती है उस बच्ची की और करे कि हॉनी चाइल्ड यानी शहद जैसी प्यारी बच्ची या मीठी बच्ची, यानी हॉनी चाइल्ड यानी प्रिय बच्ची विदर आर यू गोइंग, विदर मीन्स कहाँ, यानी कि जहाँ या कहाँ से तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि विदर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम, गोइंग मीन्स जा रहे, ठीक है, तो तुम कहाँ जा रही हो या तुम जहाँ जा रही हो उसके विषय में मुझे बताओ, ऐसा वार्तालाप है, तो कहीं उसी को हॉनी चाइल्ड होनी चाइल्ड यानी शहद जैसी प्रिय बच्ची या मीठी बच्ची, यानी कि प्रिय बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स आर टू द ब्रीज ग्लोबिंग, वुड मीन्स क्या, यू मीन्स तुम, कास्ट मीन्स फेंक दोगी या उछाल दोगी, योर ज्वेल्स मीन्स अपने आभूषणों को, यानी अपने सोने के आभूषणों को, आर मीन्स सभी,
टू द ब्रीज ब्लोइंग मींस बहती हुई हवा में, ब्रीज मींस होता है अभी वर्ड मीनिंग में बताया आपको, ब्लोइंग मींस बहती हुई, यानी क्या तुम अपने जो विवाह के आभूषण है सोने के बने हुए, क्या तुम उन सभी आभूषणों को हवा में उछाल दोगी या फेंक दोगी, अर्थात तुम्हारे लिए उन आभूषणों का कोई मूल्य नहीं है। Would you leave the mother who on golden green had fed you? Would means क्या, you means तुम, leave means छोड़ दोगी या त्याग दोगी, the mother means उस माँ को, who means जो, on golden green means सोने के अन्न के दानों पर, had fed you means तुम्हारा पालन पोषण किया या तुम्हें खिलाया, अर्थात क्या तुम उस माँ को छोड़ दोगी या उस माँ को त्याग दोगी जिसने तुम्हें सोने जैसे अन्न के दाने खिलाए, फेड मींस होता है खिलाई। अगली पंक्ति है आपकी, वुड यू ग्रीव द लवर, उस लड़की का विवाह तय हो गया होता है या भविष्य में तय हो रहा होता, तो वुड यू ग्रीव द लवर, वुड मींस क्या, यू मींस तुम, ग्रीव मींस छोड़ दोगी या त्याग दोगी दुख भोगने के लिए, द लवर मींस अपने प्रेमी को अर्थात अपने पति को या राजकुमार को, वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी या राजकुमार को दुख भोगने के लिए या कष्ट झेलने के लिए त्याग दोगी या छोड़ दोगी, हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, हु मींस जो, इज मींस है, राइडिंग फॉर मींस घोड़े पर सवार होकर आ रहा, टू वेड यू मींस तुमसे विवाह करने के लिए, यानी क्या तुम उस प्रेमी को या उस राजकुमार को दुख भोगने के लिए छोड़ दोगी जो तुमसे विवाह करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। ठीक है, आइए पंक्तिबद्ध देख लेते हैं, हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, यानी प्रिय बच्ची जहां तुम जा रही हो क्या तुम मुझे बता सकती हो, यानी कि कहां तुम जा रही हो, इसको कह सकते हैं हॉनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, प्रिय बच्ची तुम कहां जा रही हो, वुड यू कास्ट योर बेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपने सभी आभूषण बहती हुई हवा में उछाल दोगी या फेंक दोगी, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रीन हैड फेड यू, क्या तुम उस माँ को त्याग दोगी या छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने जैसे अन्न के दाने खिलाए या सोने जैसे अन्न के दाने खिलाकर पालन पोषण किया, वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम उस प्रेमी या राजकुमार को दुख भोगने के लिए छोड़ दोगी, हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, जो घोड़े पर सवार होकर तुमसे विवाह करने के लिए आ रहा है। तो ये था इसका पहला स्टेंजा, अब बात करते हैं हम दूसरे स्टेंजा के, द विलेज सॉन्ग की, देखिएगा तो इसमें सिंपल जीवन व्यतीत करने के लिए माँ आग्रह करती है, तो उसके बदले में यह बच्ची उत्तर क्या देती है, आंसर क्या देती है, यह आगे बताया गया, मदर माइन, माई का ही प्रारूप होता है माइन, मदर माइन मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, बच्ची बता रही है कि टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड मींस वैसे जंगली भी होता है असभ्य भी होता है, लेकिन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट मींस घने जंगल की ओर, आई मींस मैं, एम गोइंग मींस जा रही हूं, यानी उत्तर देती है कि मदर माइन मेरी माँ, मैं घने जंगल की तरफ जा रही हूँ या घने जंगल की तरफ बढ़ रही हूँ, Where upon the champa box the champa birds are roving, देखिएगा where means जहां, upon the champa box, upon means ऊपर, the champa box means चंपा की शाखाओं पर, the champa birds are roving, the champa means चंपा की birds means कलियां, are roving means खिल रही हैं, यानी जहां चंपा के पेड़ की शाखाओं पर चंपा की कलियां खिल रही हैं, मैं उस स्थान पर जा रहे हैं, यानी प्राकृतिक चीजों के विषय में बता रही है बच्ची, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसल्स, टू द उस स्थान पर जा रहे हूं जहां, टू द कोयल हॉन्टेड, जहां कोयले कूकती हैं या कुहकती हैं, हॉन्टेड का मतलब टापू से भी होता है, बहुत सुनसान स्थान से भी होता है और मधुर गान से भी, द कोयल हॉन्टेड, जहां कोयले कूकती हैं, रिवर आइसल्स मींस नदी के किनारे पर, टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसल्स,
मैं उस स्थान पर जा रही हूँ जहाँ कोयले उस नदी के किनारे पर कुमकती हैं या कुहकती हैं। वेयर लोटस लीलीज ग्रीष्केन, वेयर मीन्स जहाँ, लोटस मीन्स कमल के और लीलीज मीन्स कुमुदनी के पुष्प, ग्रीष्केन मीन्स चमकते हैं, जहाँ कमल और कुमुदनी के पुष्प चमकते हैं या फूल चमकते हैं। द वॉइसेस आर फेरी फार कॉलिंग मी, द वॉइसेस मीन्स आवाजी, आर फेरी मीन्स परियों की, फॉक मीन्स समाज की, यानी परियों के समाज की आवाजें, आर कॉलिंग मी मीन्स मुझे पुकार रही हैं या मुझे बुला रही हैं। ओ लिसन, हे माँ सुनो, मुझे परियों के समाज या परी लोग जो है पुकार रहा है या बुला रहा है। फिर से देख लेते हैं इसको। मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मेरी प्रिय माँ, मैं घने जंगल के तरफ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाफ द चंपा बर्ड्स आर ब्लूमिंग, जहाँ चंपा के शाखाओं पर या चंपा के पेड़ के शाखाओं पर चंपा की कलियां खिल रही है। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसल्स, जहाँ नदी के किनारे पर कोयले कूकती हैं या मधुर गान करती हैं। वेयर लोटस लीलीज ग्रीष्केन, जहाँ कमल और कुमुदनी जैसे श्वेत पुष्प चमकते हैं। टू द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, हे ओ लिसन, हे माँ सुनो, मुझे परी लोग पुकार रहा है या मुझे परी लोग बुला रहा है। ठीक है, ये था आपका दोनों स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। तब तक इसका अध्ययन करिए, कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इसके अगले दोनों स्टेंजा में, थर्ड और फोर्थ में। तब तक के लिए धन्यवाद।